कर्नाटक के उडुपी जूनियर कॉलेज में शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं दे रहा। इस विवाद ने अब तक व्यापक सियासी रूप ले लिया है। इसमें अब राजनेताओं के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स भी कूद पड़े हैं। रिचा चड्ढा, जावेद अख्तर के बाद पंगा गर्ल कंगना रनौत ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। वैसे तो कंगना काफी मुखर हैं और किसी भी कंट्रोवर्सी में अपना पक्ष रखे बिना मानती नहीं हैं। तो यहाँ भी हिजाब का समर्थन करने वालों को एक्ट्रेस ने सलाह दी है, जिसके बाद शबाना आजमी ने भी कंगना को उनके पोस्ट पर जवाब दिया है। कंगना रनौत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है, जो लेखक आनंद रंगनाथन के पोस्ट का स्क्रीनशॉट है। इस पोस्ट में बदलते हुए ईरान की झलक दो तस्वीरों के जरिए दिखाई गई है। पहली तस्वीर में साल 1973 में ईरान की महिलाएं बिकनी में नजर आ रही हैं और अब की महिलाएं बुर्का पहने दिख रही हैं। इस तस्वीर के साथ लिखा है 1973 का ईरान और अब का ईरान। आनंद रंगनाथन की पोस्ट का स्क्रीनशॉट अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए कंगना रनौत ने भी इस मामले पर अपनी राय जाहिर की। कंगना ने लिखा, अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ, खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखो। शबाना आजमी ने कंगना रनौत के इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, लेकिन अफगानिस्तान एक धार्मिक राज्य है और जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो मैंने पाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। इस विवाद में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं कभी हिजाब के पक्ष में नहीं रहा, मैं अब भी उस पर कायम हूँ। साथ ही मैं उन लड़कियों के छोटे ग्रुप को डराने धमकाने की कोशिश करने वाले गुंडों की निंदा करता हूँ। क्या यही उनकी मर्दानगी है? अफसोस की बात है। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी एंटरटेनमेंट।